बहुत अच्छा। आप देख लीजिए, कलेक्शन देख लीजिए, ये जरी भाई लोगो बाजार है और हमारे पास मियां भाई क्राउड बहुत है, तो अपने शाहरुख के पीछे कौन नहीं देखेगा। दोस्तों, मनोज देसाई कहते हैं शाहरुख खान का नाम बदलकर सारे रिकॉर्ड खत्म रख दो, क्योंकि शाहरुख खान को कोई भी रोक नहीं सकता। और अभी जो डंकी ने कमाई की है उसके बाद तो शाहरुख खान बॉक्स ऑफिस के बाप बन गए हैं। और डंकी ने 400 करोड़ की कमाई करके पूरी दुनिया में एक नया तूफान दिखा दिया है। और एक साल में 2500 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई करके शाहरुख ने एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया है, जो कि हॉलीवुड और बॉलीवुड के किसी भी एक्टर में इतना दम नहीं जो कि इस रिकॉर्ड को तोड़ सके। दोस्तों, अभी तो धूम 4 की तैयारियां हो रही है, और अगर शाहरुख खान फिर से एक और एक्शन मूवी में नजर आ गए तो मानो पूरा बॉलीवुड शाहरुख खान के दम से चलेगा और इंडस्ट्री का इतना बड़ा रिकॉर्ड क्रिएट होगा जिसको कोई भी तोड़ नहीं पाएगा। और शाहरुख खान पूरी दुनिया में इतनी ज्यादा कलेक्शन करेंगे जिसको आज तक करने की किसी ने भी कोशिश नहीं की होगी और ना ही कोई कर पाया होगा। और डंकी मूवी को भी लोगों ने काफी ज्यादा सपोर्ट किया है, और डंकी ने भी एक फैमिली एंटरटेनर मूवी होने के बावजूद भी ऐसी कमाई की है जो कोई भी और एक्टर एक्शन मूवी से भी नहीं कर सकता। शाहरुख खान का सच में बहुत बड़ा स्टारडम है और इस लेवल की कलेक्शन करने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, और शाहरुख खान ये सब कुछ करने का पावर रखते हैं। दोस्तों, इंडिया हो चाहे अमेरिका, चाइना हो या फिर दुबई, हर कहीं डंकी के लिए एक्साइटमेंट लेवल देखने को मिलता है और लोग पागलों की तरह शाहरुख खान की मूवी का इंतजार करते हैं। और ऐसा ही कुछ डंकी के साथ देखने को मिला, और लोगों का कहना है डंकी जैसी मूवीज आनी चाहिए जिसमें बहुत अच्छा सामाजिक संदेश और काफी कुछ सीखने को मिलता है। दोस्तों, डंकी मूवी ने हर किसी को इमोशनल भी कर दिया है, और वहीं इस मूवी को राज्यसभा में भी दिखाया गया और श्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मूवी को काफी पसंद किया है। और अगर हम कमाई के बारे में बात करें तो ये मूवी पूरी इंडिया से 300 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई कर चुकी है, और अब इस मूवी की कमाई में और ही ज्यादा इजाफा आ गया है और लोग डंकी को भी बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। दोस्तों, शाहरुख खान इंडिया के नंबर 1 एक्टर है। दोस्तों, डंकी मूवी में जो कुछ सामाजिक संदेश दिया गया है उसको राज्यसभा में भी पसंद किया गया है। डंकी एक असली और दिल को छूने वाली कहानी है जो कि हर इंडियन को देखनी चाहिए, क्योंकि हर साल काफी ऐसे इंडियन जो कि विदेश गलत रास्ते से जाने की कोशिश करते हैं और फिर या तो वो मारे जाते हैं या फिर उनके साथ ऐसा कुछ हो जाता है जो कि दिल को दहला देता है, और ये सब कुछ डंकी में अच्छे से दिखाया गया है। अगर कोई भी इंसान इतनी बड़ी गलती करने का सोच रहा है तो उसको एक बार डंकी मूवी लाजमी देखने चाहिए, जिससे कि उनको पता लगे कि डंकी रास्ता क्या है और उस पर जाने से क्या होगा। दोस्तों, सच बताना, अगर शाहरुख खान धूम 4 में आ जाते हैं तो कितनी बड़ी सुनामी आएगी, कमेंट में लाजमी बताना। अगर आप शाहरुख खान के सच्चे फ्रेंड हो तो हमारे चैनल FFU को सपोर्ट करो, और हम आपके लिए ऐसे ही डंकी की सारी अपडेट लाते रहे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करना, और हमें सपोर्ट भी करना। धन्यवाद।